हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बनाएंगे बेबी कॉर्न फ्रिटर्स, बट ये नॉर्मल फ्रिटर्स नहीं है, दिस विल बी अ स्टफ्ड फ्रिटर। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या लगने वाला है। तो इसके लिए हमने लिया है बेबी कॉर्न, कर्ड, रिफाइंड फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, गार्लिक, क्रश पीनट्स, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड ग्रीन चिली, ग्रेटेड चीज, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट, लेमन जूस, ब्रेड क्रम्स और ऑयल। तो चलिए दोस्तों, हम खाना बनाने की तरफ चलते हैं, स्टफिंग रेडी कर देते हैं। पहले डालेंगे पीनट मिक्सर में, ग्रेटेड चीज, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, ब्लैक पेपर, चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम जाएंगे स्टफिंग की तरफ। तो हमने बेबी कॉर्न लिया हुआ है, इसको हमने बॉईल किया हुआ है हल्के सॉल्ट के साथ। अगर आप चाहे तो इसे विदाउट बॉईल के भी ले सकते हैं, लेकिन बॉईल करने में फ़ायदा ये है, आपको स्लिट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम इसको स्टफ़ करेंगे हमारे जो मिक्सचर हमने बनाया है उसके ऊपर। तो ये हमने बेबी कॉर्न लिया है, हल्का सा बीच में स्लिट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उतना ही स्लिट करें जहाँ तक कि आप अपना स्टफिंग आपका होल्ड कर सके। ज़्यादा आप स्लिट करोगे तो स्टफिंग होल्ड नहीं कर पाएगा और फ्राइंग करने के टाइम पे सारा स्टफिंग बाहर आ जाएगा। तो मेक श्योर यू स्लिट ओनली टिल द कैपेसिटी इट कैन होल्ड द स्टफिंग। ये ऐसे ही हम बाकी सारे बेबी कॉर्न्स को भी स्टफ करके रेडी करेंगे। अब हमारा स्टफिंग रेडी है, तो हम इसका मैरिनेशन प्रिपेयर करेंगे। लेंगे चाट मसाला, इसके बाद लेंगे रेड चिली पाउडर, लेमन जूस, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बेबी कॉर्न रेड चिली मैरिनेशन में रोल करके रेडी है। अब हम इसके लिए बैटर बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसके लिए बनाएंगे बैटर, इसके लिए हम लेंगे मैदा, कॉर्न फ्लावर यही यूज़ करेंगे और सॉल्ट। इसको हम एक अच्छा थिक बैटर बनाएंगे, क्योंकि इसका जो कोटिंग होगा बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए और बेबी कॉर्न को अच्छी तरीके से कोट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग भी है। और हल्का सा इसमें पानी डालना है हमें। बैटर रेडी है, अब हम इसे बेबी कॉर्न डालेंगे और फिर फ्राई कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने सारे पीसेस को ब्रेड क्रम्स के साथ ये किया हुआ है कोट। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। आप देख सकते हो हमारी प्लेटिंग हो गई है, अब हम इसे खा सकते हैं। तो
ये था हमारा बेबी कॉर्न फ्रिटर्स दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइए, जरूर ट्राई कीजिए इसको अपने स्टाइल से, कमेंट में लिखिए हम इसमें और क्या कर सकते थे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको अगले हफ्ते इसी टाइम पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।